नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं आरपीएस समाचार। तो चलो शुरुआत करते हैं आज की मुख्य खबर से। माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार के दिशा निर्देशों के क्रम में आगामी 22 जुलाई को वन महोत्सव के रूप में वृहद पौधरोपण अभियान के अंतर्गत पूरे प्रदेश में 35 करोड़ पौधे लगाए जाने का लक्ष्य रखा गया है। जनपद उन्नाव को वर्ष 2023 में वृक्षारोपण हेतु 65,42,220 का लक्ष्य दिया गया है, जिसमें 22 जुलाई को वृहद पौधरोपण अभियान के अंतर्गत 55,24,272 तथा 15 अगस्त को 10,17,948 पौधे रोपित किए जाएंगे। तहसील सदर परिसर में लगभग 1.5 हेक्टेयर क्षेत्र में तकरीबन 30,000 पौधों का रोपण जन सहभागिता के द्वारा एक साथ कराया जाएगा। तदक्रम में कार्यक्रम को सकुशल संपन्न कराने के उद्देश्य से जिलाधिकारी श्रीमती अपूर्वा दुबे द्वारा तहसील सदर में वृक्षारोपण हेतु चिन्हित जगह का स्थलीय निरीक्षण किया गया। इस मौके पर जिलाधिकारी द्वारा वन विभाग के अधिकारियों तथा तहसील प्रशासन को निर्देश दिए गए हैं कि उक्त वृक्षारोपण कार्यक्रम को पूरी भव्यता के साथ उत्सव के रूप में संपन्न कराया जाए। उन्होंने कहा कि पौधरोपण अभियान 2023 को सफलतापूर्वक संपन्न कराने हेतु विभागवार आवंटित लक्ष्य के मुताबिक अपनी अपनी तैयारियां यथा पौधों की सप्लाई, गड्ढा खुदाई, वर्मी कंपोस्ट, ट्री गार्ड आदि सुनिश्चित करा लें। इस मौके पर जानकारी दी गई है कि 22 जुलाई को तहसील प्रांगण में अलग अलग टाइम स्लॉट में एनसीसी एनएसएस के छात्र छात्राओं, विभिन्न सामाजिक संगठनों के पदाधिकारियों, जनप्रतिनिधियों, प्रशासनिक अधिकारियों, कर्मचारियों, एफपीओ के सदस्यों, प्रेस प्रतिनिधियों आदि द्वारा पौधारोपण में सहभागिता की जाएगी। इस दौरान औषधीय, फलदार, इमारती, हर शंकरी, छायादार आदि सभी वैरायटी के पौधे रोपित किए जाएंगे, जिनमें सहजन, आंवला, नीम, पीपल, बरगद, पाकड़ आदि प्रमुख हैं। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी ऋषिराज, अपर जिलाधिकारी न्यायिक विकास कुमार सिंह, उप जिलाधिकारी सदर नम्रता सिंह, क्षेत्रीय अधिकारी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड डॉक्टर ए के माथुर, SDO उन्नाव संतोष कुमार वर्मा आदि उपस्थित रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, उन्नाव। खबरों में अब तक लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसे ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए आरपीएस समाचार।